उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिल्डिंग गिराने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। पार्क की गाड़ियां आपको बता दें कि मलबे में चपेट में आ गई और बताया जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम और ठेकेदार भी मौके से भाग गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोग हंगामा कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलती है आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सभी इस घटना को अपने अपने कैमरे में कैद करने लगे। इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि भारी मात्रा में इमारत का मलबा बिखरा हुआ है और जेसीबी की मशीन से उसे हटाने का काम किया जा रहा है। अभी हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि मलबे के अंदर कितने वाहन फंसे हुए हैं। वहीं यजदान बिल्डिंग की अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के दौरान उपाध्यक्ष खुद मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। नहीं, कोई व्यक्ति नहीं दबा है, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं हुई। बाउंड्री वाल जब तोड़ते समय बाउंड्री वाल का कुछ हिस्सा जो कॉमन पैसेज है उस पर मलबा गिर गया था। उसमें एक दो गाड़ियाँ जो स्कूटी और मोटरसाइकिल दो गाड़ियाँ थी वो उनको क्षतिग्रस्त हुआ, उनको हम लोग देख रहे हैं। और उसमें जो वेंडर को दिया गया था कितनी सिक्योरिटी सेफ्टी उसे बरतनी थी हमारे लोग भी थे। और उसमें जहाँ लैपसेस हुआ उसमें कार्रवाई की जाएगी और शेष जिनका नुकसान हुआ उसको मुआवजा।